नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिष्टर उपाध्याय। जहां एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे लोगों के निशाने पर हैं और इन दोनों पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने बाप बेटे दोनों के आगे मुश्किलें पैदा कर दी है। खबर है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी सांसद सुप्रिया सुले के लिए नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी से ठाकरे और सुप्रिया सुले के खिलाफ प्राप्त उन शिकायतों की जांच करने को कहा है जिनमें उन पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए अपने हलफनामे में गलत जानकारी साझा करने का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी शिकायत एक आरटीआई कार्यकर्ता की ओर से दायर की गई है। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की ओर से दायर किए गए हलफनामे में कुछ गंभीर विसंगतियां सामने आई हैं। कार्यकर्ता ने अपनी शिकायत में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के डेटा में विरोधाभास का हवाला दिया है। एक जो बड़ी विसंगति सामने आई है वो ये है कि आदित्य के चुनावी हलफनामे में बैंक खाते का गायब होना, जिसका उल्लेख उद्धव के हलफनामे में किया गया था। उद्धव के हलफनामे में पत्नी रश्मि ठाकुर और बेटे आदित्य ठाकरे का बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ज्वाइंट अकाउंट की जानकारी दी गई है। इसमें 9,52,568 रुपए जमा होने की बात कही गई है। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान सौंपे गए आदित्य के शपथ पत्र में इस अकाउंट का उल्लेख नहीं था। कार्यकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि दोनों ठाकरे के पास HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैटेगरी के तहत शेयर रखने की तारीखें भी अलग अलग थी। रिपोर्ट के मुताबिक सीबीडीटी जांच के अग्रिम चरण में है और ये अगले 10 दिनों में अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप सकता है। फिलहाल सीबीडीटी की रिपोर्ट का इंतजार है। अगर सभी आरोप सही पाए जाते हैं तो सीबीडीटी की ओर से आरपी एक्ट की धारा 125A के तहत मामला दर्ज कर सकता है। इस सेक्शन के तहत अधिकतम 6 महीने की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है। ये सजा उन उम्मीदवारों को दी जाती है जो या तो चुनावी हलफनामे में पूरी जानकारी नहीं देते हैं या फिर झूठी जानकारी देते हैं। यानी कि साफ है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में चारों तरफ से घिरे बाप बेटे अब बुरे फंसने वाले हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।